हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल CAPF विद हिमांशु वत्स। सो आज की वीडियो के अंदर हम CAPF और CAPFAC एग्जामिनेशन, इन दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। CAPF के अंदर हम देखेंगे कौन कौन सी फोर्सेज हैं जिनके लिए हम अप्लाई करते हैं, एंड CAPFAC एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो हम इसके अंदर एग्ज़ाम का पैटर्न, डिफरेंट स्टेजेस जो कि इस एग्ज़ाम के अंदर होती हैं, इसके अलावा एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं एंड मार्किंग स्कीम क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू द एग्ज़ाम वो क्लियर हो जाएं, एंड बाकी बुक लिस्ट एंड स्ट्रेटजी वगैरह के बारे में मैं सबसिक्वेंट वीडियोस के अंदर बताऊंगा। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले CAPF क्या होते हैं। CAPF स्टैंड फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। सो ये सारी वो फोर्सेज हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर डायरेक्टली कंट्रोल के अंदर आती हैं, बट ये जो CAPFAC एग्ज़ाम है इसके अंदर हम 5 फोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं। जो 5 फोर्सेज हैं CRPF, CISF, SSB, ITBP एंड BSF। इन 5 फोर्सेज में हम असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि एक डायरेक्टली अपॉइंटेड गजेटेड ऑफिसर रैंक ऑफिसर होता है, जो कि इक्विवेलेंट टू कैप्टन है इन द इंडियन आर्मी। एंड पुलिस के अंदर अगर देखें तो वो DSP और ACP के बराबर होता है। सो ये था CAPF के बारे में। अब CAPFAC एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो CAPFAC एग्ज़ाम के अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज है रिटर्न स्टेज एग्जामिनेशन, जिसके अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसके अलावा दूसरी स्टेज होती है फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट, जिसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। एंड देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू होने के बाद फिर फाइनल मेरिट बनती है। तो अब इन स्टेजेस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो सबसे पहली स्टेज जिसके अंदर पेपर 1 होता है, पेपर 1 के अंदर टोटल 125 क्वेश्चंस होते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एंड हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, एंड 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। सो ये पेपर 2 घंटे का होता है। देन उसके बाद पेपर 2 के बारे में बात करें तो पेपर 2 के अंदर 6 क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन जिसके अंदर 6 एसेज होते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 4 जो है वो लिखने होते हैं। ये आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन टू जो होता है आर्ग्यूमेंट, जिसमें हर एक आर्ग्यूमेंट 20-20 नंबर का होता है, 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं, दोनों आपको लिखने होते हैं और इंग्लिश में लिखने होते हैं। देन उसके बाद आपको रिपोर्ट राइटिंग आती है, 2 रिपोर्ट होती हैं, 10-10 नंबर की होती हैं और इंग्लिश में ही लिखनी होती हैं। देन उसके बाद प्रीसी राइटिंग आता है, प्रीसी राइटिंग 15 मार्क्स का होता है। देन उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन होता है, जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं 4-4 मार्क्स के, एंड ये टोटल 20 मार्क्स का हो गया। देन उसके बाद ग्रामर आती है, जो कि 25 मार्क्स की होती है। तो ऐसे करके ये पेपर पूरा 200 मार्क्स का होता है। सो ये पेपर 1 और पेपर 2 है, दोनों एक ही दिन होते हैं, एंड दोनों के बीच में 2 घंटे का गैप मिलता है। देन कट ऑफ आती है पेपर 1 की, उस पेपर 1 की कट ऑफ को अगर आप क्लियर करते हो तो आपका पेपर 2 चेक होगा, और पेपर 2 के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 50। आपको 50 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे आउट ऑफ 200, अदरवाइज आपका मेरिट में नाम नहीं आएगा। ये पेपर 1 और पेपर 2 के जो भी मार्क्स होंगे उसका टोटल, उसकी भी एक और कट ऑफ बनेगी, आपको उसको भी क्वालिफाई करना है। अगर आप वो कट ऑफ क्वालिफाई कर देते हैं तो फिर आपसे एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसके अंदर आप अपनी फोर्स प्रेफरेंसेस एज वेल एज अपनी हॉबीज एंड इंटरेस्ट एंड अपनी इन्फॉर्मेशन सारी डिटेल में डालेंगे। देन उसके बाद आपका फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें फिजिकल में PST होता है सबसे पहले, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट, वेट, चेस्ट, ये चीज़ें मेजर की जाती हैं। हाइट है मेल के लिए 165 सेंटीमीटर एंड फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, एंड चेस्ट के लिए मेल की चेस्ट होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर एंड 85 सेंटीमीटर आफ्टर एक्सपेंशन, एंड फीमेल के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। देन उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें 100 मीटर की रेस आपको 16 सेकंड में कंप्लीट करनी है फॉर मेल, एंड फीमेल के लिए वो 18 सेकंड है। एंड देन उसके बाद 800 मीटर की रेस, जो कि आपको 3:45 में करनी पड़ती है फॉर मेल के लिए, एंड फीमेल के लिए 4:45। देन उसके बाद आपको लॉन्ग जंप करनी होती है, जिसके अंदर 3.5 मीटर आपको जंप करना है, 3 चांसेस मिलेंगे, एंड ये मेल के लिए, और फीमेल के लिए है 3 मीटर। एंड देन उसके बाद होता है शॉर्ट पुट के अंदर आप 4.5 मीटर शॉर्ट पुट फेंकना है, और 7.26 kg उसका वेट होगा, एक ही चांस मिलेगा यहाँ पे, और फीमेल के लिए शॉर्ट पुट नहीं है। देन आप फिजिकल दोनों स्टेजेस जब पास कर लोगे फिर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में अगर आप बिल्कुल फिट होते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 1-2 महीने बाद, और अगर आपका मेडिकल अनफिट है तो वो आपको रीमेडिकल के लिए बुलाएंगे। रीमेडिकल होने के बाद आपको फिट अनफिट डिक्लेयर करने के बाद आपका इंटरव्यू का शेड्यूल आएगा। तो इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं 150 मार्क्स। सो जब इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद टोटल मार्क्स जो है वो काउंट होंगे पेपर 1 के, पेपर 2 के
एन इंटरव्यू के, तो ये टोटल 600 मार्क्स हो गए और 600 में से आपको कट ऑफ जो है वो मिलेगी। तो अगर आप वो कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के अंदर, तो उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है फॉर दी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इन CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ हो एंड बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए बेसिकली। एंड इसके अलावा आपकी एज 1 अगस्त को कट ऑफ डेट मानते हुए आप 20 ईयर से लेकर 25 ईयर्स के बीच में होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। OBC के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है एंड SC/ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज उनके लिए भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन अवेलेबल है। सो ये सारी डिटेल थी, इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द CAPF AC एग्ज़ाम। तो अगर आपको कुछ लगता है कि कोई चीज़ मेरे से मिस हो गई है तो आप वो कमेंट में या फिर टेलीग्राम पे या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जिनके लिंक मैंने चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और इसके अलावा इससे पहले मैंने अपनी एक इंट्रो वीडियो डाली थी, जिसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आई बटन है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ एंड अवेयरनेस जो है रिलेटेड टू दिस एग्ज़ाम वो क्रिएट हो सके। सो प्लीज़ डू शेयर, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मैं कोई भी अगर नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू सो मच।